तो फ्रेंड्स, कटहल की सब्जी तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन आज आप मेरे तरीके से बनाकर देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि आज की ये जो कटहल की सब्जी मैंने बनाई है, ये बिल्कुल मटन के स्वाद में बनेगी। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो आज का पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो यहाँ पर इस रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो कटहल लिया हुआ है, और अब इस कटहल को हम बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। कटहल को कट करने के लिए आप हल्का सा हाथों में और हल्का सा चाकू में तेल जरूर लगा लीजिएगा, नहीं तो कटहल का जो ये दूध है हाथ में और चाकू में, ये चिपकता बहुत है। तो बस आप कट कर लेंगे, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम निकाल देंगे, इसे हम सब्जी बनाने में यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कटहल को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करने के बाद, मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल ले लिया है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और अब इस कटहल को हम इसमें डिप करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ, इससे जो कटहल है हमारे बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे, और तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो अभी इस बोल को हम साइड में रख देते हैं, और अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। मीडियम से थोड़ा सा छोटा ही है, ये कच्चा आलू है, और अब इसे हम छील कर इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। यानी कि यहाँ पर मैंने इस आलू के सिर्फ 2 टुकड़े किए हैं, क्योंकि कटहल को और आलू को हमें भून भून कर काफ़ी देर तक पकाना है, और इस सब्जी को मैं कुकर में पकाऊंगी, तो इसलिए आलू को हमने बड़े टुकड़ों में कट कर रखा है। कटहल में बहुत सारे लोग आलू नहीं डालते हैं, और बहुत सारे लोग ना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कटहल की सब्जी कभी भी आप ग्रेवी वाली बना रहे हैं, तो उसमें या तो आलू या फिर 1 चम्मच बेसन डालने से इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही थिक बनती है। तो अभी आलू को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी में रख दिया है, और फिर यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। तो अभी मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जैसे 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, जावित्री, दालचीनी, और 2 तेज पत्ता लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ 5 पतले पतले स्लाइसेस में कटी हुई हमने प्याज लिया हुआ है, और साथ ही यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च भी लिया हुआ है। प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसे भून भून कर गलाना है। और इसके साथ ही लहसुन जो है 1 गांठ ली है, और 3 हरी मिर्च लिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो लहसुन और हरी मिर्च है, इसे हम इमामदस्ते में कूट लेंगे, तो इससे जो हमारी सब्जी का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो हो सके तो आप भी लहसुन अदरक का पेस्ट ना डालकर इसे ताज़ा कूट कर डालिएगा। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कुकर रख दिया है, और इसमें पहले हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। सरसों का तेल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, सरसों के तेल में कटहल की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। और इस तेल को मैं हैंडल पकड़ के कुकर का इसे हिला दे रही हूँ, ताकि चारों तरफ ऑयल फैल जाए, क्योंकि इसमें हमें कटहल को भूनना है। तो अब ये जो कटहल मैंने हल्दी के पानी में भिगा कर रखा था, उसे मैंने स्ट्रेनर से निकाल लिया था, और फिर हाई फ्लेम पर कटहल को बीच बीच में चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा देर तक मैंने नहीं भुना है, लगभग 4 से 5 मिनट लगा है मुझे, और फिर इसे चलाते हुए हम भूनेंगे, ताकि इसमें हल्का हल्का सा स्पॉट आ जाए। तो अब ये जो कटहल है हल्का सा कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं 1 प्लेट में, और फिर वापस से इसी कुकर में हम फिर से हल्का सा ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 चम्मच सरसों का तेल फिर से डालूंगी, और जब ये तेल गर्म हो जाएगा, क्योंकि कुकर पहले से ही गर्म था तो तेल फटाक से गर्म हो गया, और फिर आलू को भी हम हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो अब कटहल और आलू दोनों ही फ्राई हो चुके हैं, तो अब आलू को भी मैं निकाल ले रही हूँ। कटहल की सब्जी जब भी बनाएं आप, तो इस तरीके से थोड़े से तेल में पहले से फ्राई कर देने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब कुकर में हम फिर से तेल डालेंगे। कटहल की सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ पर मैं लगभग 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ, और फिर ऑयल को मीडियम गर्म कर लेंगे। ये जो कटहल का टुकड़ा कुकर में बचा है, इसे मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये जल जाएगा तो सब्जी का जो टेस्ट है वो बिगाड़ देगा। और अब जो साबुत मसाले मैंने दिखाए थे, उसमें जो 2 इलायची, हरी इलायची, बड़ी इलायची थी, उसे मैंने तोड़ लिया था, और फिर इसे तेल में हम डाल देते हैं। और जैसे ही ये जीरा क्रैकल करने लगेगा, यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने कूटा हुआ था, इसे डाल देते हैं, और फिर इसे तेल में मिक्स कर देंगे।
और इसी समय लहसुन और हरी मिर्च के साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, इसे भी हम इसमें ग्रेट कर देते हैं। तो अगर आप चाहें तो लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ ही अदरक के साथ ही कूट लीजिएगा या फिर इसे ग्रेट करके डाल दीजिएगा। और अब इन सारी चीज़ों को हम आधे से 1 मिनट तक भून लेंगे या फिर लहसुन का जो कलर है हल्का सा जब तक चेंज ना हो जाए। तो अब लहसुन और अदरक भुन गया है तो यहाँ पर मैं सारी प्याज डाल दे रही हूँ। और फिर प्याज को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए हल्का सा भूनेंगे। तो यहाँ पर प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसे उतना ही भूनना है जितना में ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर दे रही हूँ और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या-क्या पाउडर मसाले मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, आधा बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर देगी मिर्च डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने लिया है। तो इन्हीं पाउडर मसालों का यूज़ मैं इन सब्जी में करने वाली हूँ। तो अब मीडियम फ्लेम पर मैंने ये जो प्याज भून रही थी तो ये प्याज भी लगभग भुन गया है। मुझे इतना ही भूनना था, हल्का सा बस ये ट्रांजी हो जाए, हल्का सा कलर चेंज होने लगे। तो आज के इस कटहल बनाने के तरीके में प्याज के पानी को हमें जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसे ट्रांसलूसेंट होने तक भूनना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया है तो हम इसमें सारे पाउडर मसाले डाल देंगे और साथ ही साथ मैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये जो मसाले हैं प्याज के साथ हल्का सा भुन जाए। क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने नमक नहीं डाला है तो इसलिए प्याज मॉइस्चर नहीं रिलीज करेगा और मसाले अच्छे से भुन नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने पानी अलग से 2 चम्मच डाला है ताकि ये मसाले हमें 3 से 4 मिनट भुन जाएं। तो अब 3 से 4 मिनट तक मैंने मसालों को मीडियम फ्लेम पर भून लिया है और अब इसमें हम जो आलू और कटहल को मैंने फ्राई किया हुआ था इस आलू और कटहल को इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें मैं नमक भी डाल दे रही हूँ। इसी स्टेज पर हमें नमक डालना है। और अब क्या होगा कि ये जो कटहल और आलू है और जिसमें मैंने नमक डाला है तो अब प्याज नमक को पाकर हल्का हल्का जो है मॉइस्चर रिलीज करेगा और फिर प्याज के पानी में ये कटहल हम भून भून कर पकाएंगे। तो अब सारे मसाले और प्याज के साथ आलू कटहल को मिक्स कर देंगे और फिर इसे स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और अब फिर से मैं इसे चला रही हूँ तो यहाँ पर इस प्रोसेस को लगभग 3 से 4 बार करना है। आपको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर कटहल को चलाते हुए ढक ढक कर पकाना है। और अगर आपको लगे कि कटहल नीचे से चिपक सकता है, क्योंकि अगर हम चिकन या मटन बनाते हैं तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रिलीज होता है, कटहल बहुत ड्राई होता है, तो इसलिए इसमें बीच में हम 1 से 2 बार थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच पानी डाल देंगे और इसे ढक ढक कर लगभग 15 से 20 मिनट तक इसे पकाते जाएंगे। तो यहां पर लगभग 3 से 4 बार मैंने ढक ढक कर इसको पकाया है और लगभग 2 बार मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर किया हुआ है। तो अब ये जो कटहल है आप देख सकते हैं कि पानी डाल डाल कर कवर करके इसे भूनने से कितना अच्छा से इसका कलर आ गया है और कटहल और आलू बहुत अच्छे से भुन गए हैं और ये जो प्याज है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होके गल गई है। तो आप भी इसी तरीके से 15 से 20 मिनट तक चलाते हुए कटहल को भून कर पकाएंगे तो कटहल की सब्जी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। तो अब मैं भूनने के बाद यहाँ पर 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दे रही हूँ और फिर गरम मसाला का पाउडर डालने के बाद इसे 2 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे और फिर इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। तो पानी आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रेवी वाला कटहल बनाया हुआ है, रसे वाला कटहल, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। लेकिन वैसे भी जब कटहल की सब्जी थोड़ी ठंडी होती है तो अच्छी खासी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर लगभग 300 ml मैंने पानी डाला है और अब पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे कवर कर देंगे और कुकर की लिड को लगाकर मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक इसे हम पकने देंगे। और फिर 2 सीटी आने के बाद कुकर को अपने आप पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे और अब ये कुकर का प्रेशर निकल चुका है तो मैं कवर को हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो कटहल की सब्जी है देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। और लास्ट में मैंने बारीक कटी हुई धनिया ढेर सारी डाल दी है और फिर इस सारी सब्जी को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी आपको देखने में ग्रेवी थोड़ी सी
पतली लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बीतेगा लगभग आधे घंटे के बाद ये अच्छा खासा थिक हो जाएगी। तो चलिए फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो कटहल की रेसिपी है आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।